talk about this guy? Want to talk about this guy? Come on, come on. Take it, take it. बोल 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 कहाँ है तो कर बता 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 ए देख मेरे को चलो उठो उठ मैं कुछ बोल रहा हूँ सुनता नहीं तू हाँ पानी मार इसके मुंह पे कहा है दो करोड़ कहा है एक्सीडेंट में गिर गया भाई तीन तक गिनूंगा मैं नहीं बताया तो लड़की को उड़ा दूंगा उसे मत मारो वहां लड़की को छोड़ दो गलती मेरी है मुझे सजा दो नहीं 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 आज तक मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तो शायद मेरे किए हुए सारे पिछले गुनाह माफ हो जाए। तुम ठीक तो हो ना अनु आकाश तुम्हारी ये हालत किसने की ये आपने क्या कर दिया क्या? मैंने किया कसम खाता हूँ सर इसने कुछ नहीं किया अगर इसने नहीं लिया तो दो खोके गए क्या ये बता जल्दी ये तो तेरे शक्ल बिगाड़ डालूंगा बोल छोड़ दीजिए सर गरीबी ने पाला सड़कों ने अपनी गोद में उछाला गौर से डायरेक्ट अपना कनेक्शन मोबाइल चुरा के जमा होता है अपना राशन ताऊ खूबा शर्मा वर्मा शकीला जमीला गुड्डू छुटकी खबरदार एक सर फेरा मार्केट में घूम रहा है कर देना हेरा फेरी छुपा लो मोबाइल कहीं हो जाए ना चोरी अरे ठीक से हल्का तो होने दो क्या कर रहे हो अरे 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 क्या करता है हफ्ता दे रहा हूँ ना ये तेरे लिए और ये मेरे लिए मिलते रहना आपस में बांट लेना भाई वॉकी टॉकी पुलिस को जोर से हफ्ता भारी पड़ा सारे हल्का आंटी को चढ़ो मारो चांद मुबारक बाबा की दुआ रहे पिएगी जो मेरा दी बाबा आ गए हैं पंडित आशीर्वाद देता है कि तुम्हारा सामान कभी ना खोए तुम्हारा दूर ध्वनि पास वाला लेकर भाग रहा है कैच मी इफ यू कैन एमपी आया देख इसका बीपी कैसे बढ़ाता हूँ एमपी जी गले लग जाइए भाभी जी आप भी वो मेरा फोन चोरी करके भाग गया ढूंढो उसे सिंगल सिम हो डुअल सिम हो या हो एप्पल ब्लैकबेरी हमेशा खुद रोमिंग पर रहता है करता है इनकी चोरी अजब इसके कारनामे गजब इसके किस्से मोबाइल गुल हो जाए टकराए चिस से आज तक लड़के लड़कियों के पीछे थे लेकिन ये देखिए दुनिया की सारी लड़कियां मेरे पीछे है क्योंकि मैं चोर हूँ 12 वाले का 5,000
सड़ी हुई सब्जियों से भी सड़ा साउंड एंड वाटरप्रूफ मोबाइल, एंड्रॉइड की बोली 10,000 अबे छिलके ये सरकार नहीं जुटने से पहले गिर जाए, सही बोली लगा बे। 10,111 रुपए। अबे मंदिर में चढ़ावा देने आया क्या तू? इतने में सिर्फ चार्जर मिलेगा, बोली बड़ा। 12,000 लॉक कर दे मेरे लाल। ये हुई ना बात, 12,000 है कोई 12,000 दो। 20,000 ये है मर्द का बच्चा। ये हुई ना बात, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, चलो साइड दो रे। अबे चिरगुटो, चोरी का माल खुले हम मार्केट में कैसे बेच रहे हो? लगता है नया है। अबे माल छुपा के बेचेंगे तो तुझे तेरा हफ्ता कैसे मिलेगा? चल चल धंधे के टाइम जा। मैं जाने के लिए नहीं, तुम शानो को अंदर करने के लिए आया है। सामान को लगाम लगा के बात करो सर। इंस्पेक्टर शिंदेला धमकी, आज आई शपथ छोड़ना है। गणपत सर आगाओ। सर सारा माल कब्जे में ले लो, अनियांचा और मुकदमा ठोको। इंस्पेक्टर अगर माल को छुआ तो पानी जाने का रास्ता वहाँ से नहीं कहीं और से होगा। तुम ये काय बोलता है? अनास काय बकतो? माला मारनार, पोलिसावर हाथ उचलनार। पुलिस को लात मार ली तू? हे भंडार, अरे इकडे लोचा झाला रे। जब घूस लेने से मना किया तभी समझ गया तू असली पुलिस वाला नहीं। जहाँ चोरी सिखाई जाती है वैसे स्कूल का प्रिंसिपल हूँ मैं, और मैं हूँ वाइस प्रिंसिपल। थ्री जी, इनकी बैटरी तो फुल चार्ज्ड है। अपनी बैटरी कितनी बची है? अपनी बैटरी डाउन होने से पहले सबको डाउन कर देते हैं। ऑल द बेस्ट। और ये चाइना फोन जैसे नल्ले पुलिस को हुक किया और वो जागीरा रद्दी के ढेर में छक्का। और इस सड़ेले फोन की बैटरी गिरकर ब्लास्ट होने वाली है। पहले आओ पहले पाओ। अबे मेड इन चाइना, मुझे डिस्चार्ज करने चला था। अबे साले दांत से काटता है, पिछले जन्म में कुत्ता था क्या? और ब्लैक चेरी की बैटरी एंटी आजा, सिंगल सिम ब्लूबेरी ड्यूअल सिम, आ जाओ मैं तुम्हारा कॉन्फ्रेंस कराता हूँ। अरे मार्केट में चाहे कितने भी मेगापिक्सल कैमरा क्यों ना आ जाए, ये 2 मेगापिक्सल तुम सब पर भारी पड़ेगा। अबे कभी ने मुझे क्यों डिस्चार्ज किया? नहीं चिचो, चिचो, चिचो। Uh-huh.
बैटरी खत्म हो रही है चचा, रिचार्ज की जरूरत है। तो फिर जल्दी करो ना। फोन कोई भी हो, जब तक करंट ना मिले वो चार्ज नहीं होता। मुझे भी चिंता ये ले। अभी तक किसकी बैटरी चार्ज है? कुची 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 ये बता, तो पब्लिक के सामने पिटेगा या यहाँ पे? माझे सगळे प्लॅन ची वाट लावली, फिर से नहीं करूंगा, मेरे को तेरे गैंग में भर्ती कर। नहीं 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 नहीं, इनकम से ज्यादा तो मेरा खर्चा हो जाएगा। अपनी बटालियन ले और रास्ता ना। मैं तुला छोड़ू नहीं जाऊंगा। अब जा सकता हूँ? कल शादी हुई और आज तुम जा रहे हो। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। तुम्हारी जुदाई में कहीं मेरी जान ना निकल जाए। जल्दी आ जाना प्लीज। मुंबई जाकर तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? मॉर्निंग मैडम। दरवाजा बंद करो। क्या बात कर रहे हो? मैडम आ गई। गुड मॉर्निंग मैडम। अरे मैडम तो हनीमून पे गई। गुड मॉर्निंग मैडम। हाँ ठीक है ठीक है। अरे देखा तुमने, हमारी आजादी पे फिर से ताला लग जाएगा। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे आज हाफ डे जाना था। अरे तुमने ऐसा सोचा कैसे? जैसे रोज सूरज निकलना नहीं भूलता वैसे मैडम ऑफिस आना नहीं भूलती। सूरज को भी ग्रहण लगता है। गुड मॉर्निंग अनु। हाँ हाँ ठीक है सबको अंदर बुलाओ। हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल किया।
मैडम आप शादी के दूसरे दिन ही काम पर आ गई? जब अपनी बैंक की दो ब्रांच और खुल रही है तो मैं आराम कैसे कर सकती हूँ, इसलिए मैं सीधा ऑफिस चली आई। अगर मैं ऑफिस नहीं आती तो किरण को चाय बनाने से छुट्टी मिल जाती और ये बीमारी का बहाना बनाकर आराम करती। और जिस बैंक में इतना कामचोर स्टाफ हो उस बैंक का मैनेजर हनीमून कैसे मना सकता है? क्यों, सही कह रही हो ना? बिल्कुल सही कह रही है मैडम, आपको देखकर हम लोग भी सीख रहे हैं। जो भी हो मैडम, पर जब मेरी शादी हुई थी ना तब मैं तो एक महीने तक घर से बाहर ही नहीं निकला था। और एक ही महीने में उसे इतना प्यार किया कि चार महीने में ही तुम बाप बन गए। चार महीने में ये सब कैसे हो गया यार? मैंने डबल शिफ्ट में काम किया था, तुमसे तो अभी उम्र में होने वाला है नहीं। सच्ची? बालों से उम्र का अंदाजा मत लगाइए, ये तो हेयर रिमूवर की वजह से है। बीवी ने गलती से रखा होगा। गलती से नहीं, जानबूझकर रखा होगा। अब आप लोग चलिए, जल्दी जाइए यहाँ से और दिल लगाकर काम कीजिए। जाइए। अब साफ साफ बताओ कि उन्हें सुहागरात मनाने की बजाय मुंबई क्यों भेज दिया? अब तुम्हारे बिना उनका वहाँ मन कैसे लगेगा? शादी के बाद ये दूरियाँ ठीक नहीं। चलो तुम ये एल्बम देख लो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। रहना चाहती है तो जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुन, इसकी जान की कीमत है सिर्फ दो खोगा, यानी दो करोड़। मैं जानता हूँ तेरे पास दो खोगा क्या, दो पेटी भी नहीं होगी, लेकिन जिस बैंक में तू काम करती है वहां तो टकसाल। पैसा लेके आ तो तेरे सुहाग को कुछ नहीं करूंगा। याद रखना, दो खोखे से एक पैसा भी कम लाई तो इसकी सांस थम जाए। अनु, तुम्हारी कौन? अनु, ए अनु, क्या हुआ तुझे? ए, तुम रो क्यों रही हो, बताओ। दो खोखे से कम लाई तो इसकी सांस थम जाए। बताओ ना अनु। अनु अनु अनु, कुछ बताओ तो सही, आखिर बात क्या है, बोलो ना अनु। ये क्या हो गया अनु, बचपन से तुम्हारी जिंदगी में इतनी तकलीफें आई, कल ही तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हुई और आज ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हम इतनी जल्दी 2 करोड़ का इंतजाम कहां से करेंगे? कौन हमारी मदद करेगा अनु? What a relief. जमूरे, ये बता आज हमने क्या क्या चुराया? जो कुछ चुराया है वो सब सामने तो पड़ा है, गिनती कर लो। अरे टेका देना। हाँ,
मैं तो चोर हूँ ही, अगर तुझे मेरी रानी बनना है तो तू भी पतली गली पकड़ के आ जा। हेलो, पहले मेरे सवाल का जवाब दे, कौन है तू? अरे यार, तू क्या केबीसी का बिग भी है जो मैं तेरे सवालों का जवाब दूं? देखो भाई साहब, आपके पास जो फोन है उसका मालिक मैं हूँ। तेरे पास बहुत सर्टिफिकेट है कि तू इसका माई बाप है? हमारी तरह ये भी लावारिस है। देखो भाई साहब, वो मेरा पर्सनल फोन है, प्लीज वापस कर दो। कॉल गर्ल को दिया हुआ पैसा और राजा ने चुराया हुआ फोन वापस नहीं मिलता। जानता है मैं कौन हूँ? एमपी हूँ। एमपी है, एमपी है, एमपी का फोन है एमपी। अबे तू एमपी है तो मैं यूपी हूँ, चला बिहार में मिलते हैं, दिल्ली में जाकर दोनों सरकार बनाते हैं। जय हिंद। उसने अपना नाम राजा बताया, दोपहर तक मुझे अपना फोन वापस चाहिए, नहीं तो तेरा कनेक्शन कट। बतला चढ़ी हुई उतार दी। त्रिजी, ये और कितनी टंकी फुल करेगा? पता है ना, ऐसी आलतू फालतू रिंगटोन से इसकी हट जाती है। अरे ये कौन है? ये रेलवे स्टेशन पर मिले, इसलिए मैं साथ ले आया। पहले ही हमारी जेब खाली है, इन्हें क्या देंगे? अबे चुप कर, हम जो खाएंगे ना उसमें से थोड़ा सा इन्हें भी दे देंगे, और क्या। पर हमने क्या सारे लावारिसों को पालने का ठेका ले रखा है? अरे तुम दोनों लावारिस भी मुझे स्टेशन पर मिले थे, मैं दूसरे छापों को घर ले आया। लावारिस बोला, लावारिस बोलता है सड़क छाप बोलता है, नहीं छोड़ूंगा। नहीं चाचा, ये अपने टूजी है, टूजी है। अरे इसे ये रिंगटोन बहुत पसंद है, जब ये भड़के इसे ये रिंगटोन सुना देना, मैं चला। रानी भाग रही हो जैसे पहली बार हो रहा है। अरे बाबा, ड्यूटी पे हूँ। ड्यूटी की ऐसी की तैसी, छोड़ दो। शादी के बाद छोड़ दूंगी। तुम्हारा इस तरह से पब में काम करना मुझे पसंद नहीं है। तुम फिर से शुरू हो गए। अरे मेरा काम ही ऐसा है और मुझे अपने काम में बहुत मजा आता है। ढक्कन खोलना, शरीर की नुमाइश करना, ये कोई जॉब है? छोड़ दो। इस जॉब में मुझे बहुत टिप मिलती है। लोग लिप की लालच में तुम्हें टिप देते हैं जो मुझे पसंद नहीं। जानू गुस्सा मत होना। इधर देखो ना, लिप किसके लिए बताऊं? किसके लिए? इसकी जान की कीमत सिर्फ दो खोखा, तेरी बैंक में तो टकसाल। भूखे से एक पैसा भी कम नहीं लाना। हेलो हेलो, कुछ तो बोलो। ऐश्वर्या है? हैं? ऐश्वर्या धूम मचाने बाहर गई है, कटरीना है, चलेगी? ए, मैं अभी बोल रहा हूँ। सॉरी भाई, भाभी मंदिर गई है, कुछ कहना है उनसे? तू कौन है बे? मैं वो हूँ जिसे भाभी से फोन चुराया है। हे सना। अब ये सना कौन है? हैं? वो तेरी भाभी है उल्लू। सना, खिलाऊंगा चना। मी टॉकिंग्स, यू गोइंग, व्हाट इज हैपनिंग्स? तुम जिससे बात कर रहे थे उसी के पास जाओ प्लीज।
डेट पे थोड़ा सा लेट हुआ हूँ। डार्लिंग अब गुस्से पे मारो ठंडा पानी और मेरे हवाले करो गरम जवानी। हंसो हंसो, हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। चलो चलो एक 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 फोटो हो जाए। फैमिली फोटो में बीच में क्यों आया? मेरे साथ एमपी के पास चल, पूरे फैमिली की फोटो दीवार पर टांग देंगे। तुम एमपी परिवार के हो? वाओ, मुबारक हो भाई, तुमने मुझे ढूंढ निकाला। चलता हूँ। कहाँ? गर्लफ्रेंड को सीक्रेट बोलना है। कौन सा? पर्सनल एडल्ट टॉपिक है। कान बंद करोगे? मैं एमपी के घर फैमिली फोटो निकालने जा रहा हूँ। गाड़ी स्टार्ट करो। समझ गई ना जान? जाओ जल्दी, जाओ जाओ बेबी। तुम लोग मुझे क्यों पकड़ो? इसे पकड़ो। पीछा करो। अबे कूदना मत। अरे इधर है। अरे पकड़ो उसे। अबे रुक, अरे पैर दुख रहा है। अबे रुक, बादाम खाया क्या? अबे उधर भाग रहा है। आजा, मैं ड्राइव करूंगा। जी, मेरा किला कच्चा सुखा देना। फोन घुस गया। हुआ क्या? सीट में हाथ अटक गया। अरे तो निकालो ना। नहीं निकल रहा। अरे मैं निकालू? स्टीयरिंग कैसे संभालू? मुझे चलाने दो। अच्छा आइडिया। कम 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 कम। क्या सीन है? लड़की स्टीयरिंग पकड़ी है, गियर वो बदल रहा है। ट्रेनिंग देने का कितना लेती हो मैडम? वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 95.3 ब्लू FM। आज हम आपको सुनाएंगे अल्ट्रा रोमांटिक गाने और साथ ही साथ हम खेलेंगे एक क्विज जिसमें आपको सिंगर और म्यूजिशियन का नाम बताना होगा। और सही जवाब देने वाले को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही साथ 15,000 के गिफ्ट हैम्पर्स। तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए। Let's continue. आगे पीछे जाम। तुम थक गई होगी, रेस्ट करो। टाइम प्लीज, टाइम प्लीज। सुनिए भाई लोग, मैं थक गया हूँ, मेरा काफी पसीना निकल चुका है और मेरी पूरी एनर्जी ड्राइव करने में चली। राजा रुको। भाई लोग, 32,000 के फोन के लिए मेरी 32 क्यों तोड़ रहे हो? एमपी को फोन चाहिए। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। Oh!
चलो रे। तुम पागल हो क्या? हाँ, तेरे प्यार में। तुम्हारी गुंडागर्दी से मैं तंग आ गई हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? सुन रहे हो तुम? छोटे, तेरी आइटम पटाका है, मैं फोड़ू इसे। तेरी भैंस की टांग। रोमियो, बुरा लगा ना तुझे? मेरी वाली समझती नहीं है। मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पटाका कह दिया तो तुम बारूद बन गए। अगर मेरी गर्लफ्रेंड पे कोई हाथ डाले तो गुंडागर्दी तो करूंगा ना। सॉरी सिस्टर, जो खाना है खाओ, बिल मैं दूंगा। कब समझोगे? तुम्हें मेरी प्रॉब्लम्स नहीं दिखती? कैसे दिखेगी, प्यार तो अंधा होता है ना। तो मुझे छोड़ दो। बैठो ना, शाम को घर तक छोड़ दूंगा। आखिर तुम कब सुधरोगे? अपने बच्चे होने के बाद। हमारी शादी को अभी बहुत टाइम है। तो जल्दी शादी कर लो, देखो माँ का लाड़ला कैसे सुधर जाता है। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। कैको, तुम इतना भी नहीं समझते। हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी रानी बनकर रहे। अच्छी फैमिली हो, कार हो, बंगला हो, और क्या चाहिए। ये तुम्हारी फैमिली की रिक्वायरमेंट है या फिर तुम्हारी? आई लव यू राजा। आई लव यू टू। तुम्हारे लिए बंगला मैं बनाऊंगा, अगर मजदूर ना मिले तो खुद मैं इटेड होऊंगा। कब बनाओगे? मेरे मरने के बाद? खामोश, कुछ भी बोलती रहती है। तुम्हें कुछ होने से पहले मुझे मौत आ जाए। बचपन से सिर्फ मेरी एक ही ख्वाहिश है और वो है कि कभी तो किसी को माँ पापा कह के बुला सकूं। मेरी भी अपनी कोई एक फैमिली हो। वो क्या है कि बचपन से ही मैंने अनाथों की तरह फुटपाथ पे अपनी जिंदगी गुजारी है, इसलिए तुमसे शादी करके मुझे माँ बाप का प्यार मिल जाएगा। समझ रही हो ना? तूने ऐसी बात कह दी कि मेरी चढ़ती भी उतर गई। अरे शादी करने के लिए एक चुटकी सिंदूर और एक पंडित चाहिए। एक चुटकी सिंदूर आजकल लाखों का है। तो दो चुटकी कितने का होगा? कैलकुलेटर लेके आ। छोटे लोग छोटी बात, मुझे तो करोड़ों चाहिए एक लड़की के लिए। औरत को हल्का मत समझो टू जी, कल ही मैंने एक लड़की को उठाया था, अभी तक मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मालूम है क्या? ए, सेंसलेस बातें मत करो। हम में सेंस है इसलिए शादी ऐसी सेंसलेस चीज नहीं कर रहे। अनाथ बनकर जियो, अनाथ बनकर मरोगे। इसे तो हमारी बातें बुरी लग गई। दो दिन में बदल गया, चलो। हाँ चलो। समझो ना यार, मेरी शादी हुई तो तुम्हें बहू, तुझे भाभी मिलेगी। जब मेरे बच्चे होंगे तो तुझे चाचा कहेंगे, तुम्हें दादा बुलाएंगे। चाचा? हम अनाथों को एक फैमिली मिल जाएगी, पर तुम लोग समझते कहाँ हो यार। इसे तो दिल के तार जोड़ दिए यार। भाभी ज्यादा डिमांडिंग नहीं लग रही? अरे भाई, भाभी फिर तो नहीं जाएगी ना। कैसी बातें करते हो? अरे टू जी, आजकल की लड़कियां ना कपड़े कम बदलती है, बॉयफ्रेंड ज्यादा बदलती हैं। भाई तुम्हें भाभी पर भरोसा तो है ना? अपने से भी ज्यादा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, जब परसों बैंक खोलेगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने पैसे चुराए हैं। आकाश को छुड़ाने के बाद मैं खुद को सरेंडर कर दूंगी। पर अनु, मैं भी तुम्हारे साथ। नहीं, तुम नहीं। कोई बकरा नहीं दिख रहा। 10 बार पानी पी चुका और 20 रुपया बाथरूम में खर्च हो गया। भाई टू जी कह रहा है उसने ओवरटाइम करके 3 सैमसंग गैलेक्सी उड़ाए। क्या हो चचा? मुझे आसपास एंड्रॉइड 52 मेगापिक्सल कैमरा वाले फोन का नेटवर्क मिल रहा है। क्या बात करते हो चचा, इस जगह पर इतना महंगा मोबाइल हो ही नहीं सकता, चाइनीज होगा। सिग्नल बहुत तगड़ा मिल रहा है, मेरी नाक कभी धोखा नहीं सुन सकती। कुत्ते, कुत्ते। वाह चिच्चा, मान गया तुमको। वाह। अरे कॉल भी आ गया, लगता है उसकी सहेली का फोन है, उससे बात करके तेरी सेटिंग कराता हूँ। अनु इज अ गुड गर्ल, पैसे लेकर बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच गई है तू। आई लाइक इट। सामने देख, 1177 नंबर की मारुति वैन खड़ी है, उसमें मेरा आदमी तेरा वेट कर रहा है।
उसे पैसे दे, चैन की सांस ले और घर जाके मेरे कॉल का वेट कर। अच्छी बच्ची। क्या हुआ चचा? चल सब छोड़ छाड़ के, भगवान देने वाला है छप्पर फाड़ के। फॉलो मी। सलाम वालेकुम, जरा मुंडी बाहर निकालना। किस लिए? इसलिए। इसके 500 रुपए मिलेंगे। आ? इसको ठिकाने लगा के, देन फॉलो मी। साला ब्लैक एंड व्हाइट फोन रखता है। अन्नू इज अ गुड गर्ल। वेरी गुड। टाइम पर आने वाले लोग मुझे बहुत पसंद है। सामने ब्रिज है, वहाँ ब्लू टी शर्ट में मेरा आदमी आएगा। उसे पैसे दो और उल्टे पाँव घर लौट जाओ। ओके। जा 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 जा। पुलिस थी चचा। क्या बोली पुलिस? पैसे कहाँ? पैसे कहाँ? सारे पैसे मेरे पास ही सेफ हैं। और तू कहाँ है? हाँ? मैं यहाँ, मैं किसी मैरिज हॉल के पास हूँ। यहाँ किसी की शादी होने वाली है, बस उसी के सामने हूँ। माँ अकेली मत खड़ी रहे, पैसा लेकर चुपचाप बारात में जा। दावत खा और मेरे कॉल का वेट कर। फिर मैं तुम्हें पैसे कैसे दूंगी? अरे इसकी टेंशन तू काहे को ले रही है? तू जा, अंदर जा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना। चल फुट 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 जा, मेरा आदमी पहुंचेगा अभी। जाती के नहीं? आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो इस वक्त बहुत से तेरे मोबाइल कंपनी की तो। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? यू फॉर लड़की साइडिंग, यू नो पहचानिंग मुझे। आई वेलकमिंग ऑल इनकमिंग मेहमान, डाउन गोइंग डाउन गोइंग, आई फीट टचिंग। यो कमजोर लड़की, सो हैवी वेट बक्सा, ये मैं लेती। अरे नहीं नहीं, ना हेजिटेट, नहीं बैगेज एंड कैरिंग दिस रेट, गिव गिव, कॉन्स्टिपेशन कम इधर। आया मैडम। नहीं उसकी, अरे कैरिंग केयरफुली, यू कम इंडोर। चचा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, पक्का बिरयानी बन रही है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। फिर खाना? अबे भुक्कड़, हर बारात में बिना इनविटेशन के घुस जाता है, पहले खाना खाता है फिर चप्पल जूते खाता है। मगर बिरयानी जूते से ज्यादा टेस्टी होती है। चलो ना, भूख तो मुझे भी लगी है। चल इसी कपड़े में
माय हस्बैंड हवलदार है एंड तुम नो ना ये कमिश्नर की डॉटर की वेडिंग है. यू लुक लाइक इंस्पेक्टर फ्रंट बैकग्राउंड. आई सीइंग यू एंड आई जजमेंट यू. पुलिस वाले की वाइफ बनने में डिफरेंट एंजॉयमेंट है. दिस इज एसी रूम तुम्हारा. आराम से रिलैक्स करो. चिच्चा टॉकिंग कब कमरा आ गया पता ही नहीं चला. यू नीड मी कॉलिंग माय फोन. पैसा गुंडे के लिए था ना. नहीं बे, मंडप में जो दूल्हा बैठेगा उसे दहेज में देने लाई है. चल निकल. सूटकेस चुराने के लिए मुझे किसी को उल्लू बनाना पड़ेगा. अब मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता. नहीं भाई, कैसे बनाएगा. शादी के सपने मेरे साथ और साथ फेरे किसी और के साथ. कैसे करेगी. कर ही नहीं सकती. नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरी है. कैसे करेगी. बिल्कुल सही. वो रोज रात मेरे सपने में आती है तो मैं भी उसके सपने में आता होऊंगा. तो सपने में शादी क्यों नहीं कर लेते. कैसे करता. मेरी आंख खुल जाती है ना तो फिर से सो जाते ना. दिल वाला गुड्डू अब दुल्हन को भगा ले जाएगा. गुड्डू भगाएगा तो फिर शादी. हम करेंगे. हम मतलब हम तीनों को मिलाकर 1 2 3. सही कहा ना. बस ये समझ लो कि तुमने मुझे ये प्लान बनाते वक्त देखा ही नहीं. नहीं देखा. हमने भी नहीं देखा. बिल्कुल नहीं देखा. तुम लोग कौन हो. ये मेरा बॉडीगार्ड है और मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ. तो नौकरी पक्की. सैलरी लो. ये लो. और तुम्हारा बोनस मैं रख लेता हूँ. सर हमारा पैसा चोरी हो गया तो अकाउंट में डाल दो. बैंक अकाउंट तो है नहीं. बैंक अकाउंट नहीं, जीमेल अकाउंट खोलो. फ्री में खुलेगा. बॉडीगार्ड्स फॉलो मी. चंगू मंगू का क्या. वो भी चल सकते हैं. चलो मैरिज हॉल तो इधर है. मैं यूटर्न ही लेने वाला था. सर जी सस्पेंस म्यूजिक से डर लग रहा है. हेलो मी. ये तो बताइए हम लोग कहाँ जा रहे हैं. सर दुल्हन के रूम में. सूटकेस वाले रूम में कब जाएंगे. कौन सा सूटकेस. इसके कहने का मतलब है कि दुल्हन को हम सूटकेस में डाल के लेके जाएंगे. ऐसा मेरा प्लान है. और मैं. आपको तो हम चीनी की बोरी में ले जाएंगे. वाओ व्हाट अ स्वीट आइडिया. मुझे मीठा पसंद है. पर हम शादी कैसे रोकेंगे. उसकी क्या जरूरत है. हम तो दुल्हन लेकर भागेंगे. शादी रोकनी है दुल्हन भगानी है पहले क्लियर करो. अबे गधे चुप. दुल्हन को भगाएंगे तो शादी अपने आप रुक जाएगी. इतना भी क्लियर नहीं है. अब क्लियर हुआ. बॉडी के साथ दिमाग भी है. अभी आगे का प्लान क्या है. हाँ एक मिनट. हाँ चलो मैं समझ गया. सुपर. उसने क्या कहा भाई. मेरी भी समझ में नहीं आया. फॉलो मी. हेलो भाई. पैसे मिले कि नहीं बे. यहाँ तो बहुत सारी पुलिस है भाई. पुलिस. हाँ भाई कहीं वो लड़की पुलिस से तो नहीं मिली. कितनी पुलिस है गिन के बता. इतनी है भाई कि गिनना मुश्किल है. हेलो अबे बकना. हेलो क्या रे तू मेरे साथ गेम खेल रही है. मैं कोई गेम नहीं खेल रही हूँ. कोई गेम नहीं खेल रही हूँ तो स्टेशन में पुलिस और शादी में पुलिस कहाँ से टपक पड़ी. बता मेरे को. तू फोन रख. फोन रख और मैं तेरे को ऐसा एमएमएस भेजता हूँ कि तेरी अकल ठिकाने पे आ जाएगी. मुझे कुछ भी नहीं पता था. यहाँ पुलिस कमिश्नर की बेटी की शादी हो रही है. मुझे यहाँ आने पर पता चला. तो नोट दिखा मेरे को. शाबाश शाबाश मेरी जान शाबाश. हेलो लेकिन ये असली है ना. मैंने आज ही बैंक से निकाले. पुलिस वाले जब तक वहाँ से निकल नहीं जाते तो वहीं रुकना समझ गई ना. और अगर जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो तेरे पति का हलक चीर दूंगा. फोन रख. सावधान निकल ले. हाँ
यहाँ क्यों आया? ये वाली मेरी नहीं है। क्या? भले ही तेरी ना हो मगर किसी ना किसी की तो होगी ना। चल निकल यहाँ से, जा। नहीं, मुझे मेरे सर के लिए बॉडीगार्ड चाहिए। अरे बाप रे, तेरे सर में भेजा कहाँ है? भेजा नहीं लेकिन सर तो है। हाँ? एक मिनट। बॉडीगार्ड, अपना प्लान तो बताओ। वहाँ जाकर तू नया बॉडीगार्ड ले ले। लेकिन बॉडीगार्ड तो तुम हो। मुझे तेरी बॉडी की रक्षा नहीं करनी। साले का दिमाग घुटने में है। बॉडीगार्ड? मेरा दिमाग घुटने में है? हाँ, तेरी कसम। हाँ, हो सकता है। मैडम सर, मैडम सर, आप स्टिल नॉट तैयार? गेट तैयार, बैंड बाजा भारत इज कमिंग सून। मैं कपड़े लाना भूल गई हूँ। फॉरगेटिंग? नो फिकर वरी, मेरे पास मैनी ड्रेसेस हैं। मैं लेकर कमिंग, यू लाइक एनी यू कैन वेयर मैनी। मैं अभी कमिंग। बट इस सूटकेस में क्या है इनसाइडिंग? गिफ्ट है। यो का गिफ्ट लाना याद रखिंग, कपड़े लाना फॉरगेट, कॉमन प्रॉब्लम लेडीज में। नो फिकरिंग, मैं अभी गोइंग कपड़े ब्रिंगिंग, तुम तैयार हो जाए, ठीक है? अगर कोई बिना पैंट खोले अंडरवेयर चुरा ले तो उसे टैलेंट कहते हैं। अगर अंडरवेयर ना हो तो हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। चिचा, सूटकेस मिला? नहीं, पर वो लड़की सूटकेस के साथ अंदर बैठी है। क्या बात कर रहा है, लड़की भागने के लिए खुद ही सूटकेस ला रही है। ए, वो नहीं दूसरी लड़की रे। पर सूटकेस में लड़की कैसे बिठाएंगे? अबे जा, तेरा बॉस अंदर बाथरूम में टॉयलेट करते करते अटक गया, उसे छुड़ा। अरे चल चलते हैं। हाँ चल चल। अब क्या करेंगे चिचा? इस करू पांडे की खोपड़ी जब चलती है तब दुनिया हिलती है। यार डायलॉग मारा चिचा, कल इसकी रिंगटोन मार्केट में बिकेंगी। मुझे फॉलो कर। ओके चिचा। कम ना यार, सिट इन चेयर। धंधे पे ध्यान दे, खाने पे कम। मारो मन चिचा, और लड़कियों को कम देख। इसे संभालिए ना, मैं भी बाथरूम से आती हूँ, प्लीज। बच्चे को भूख लगी है। क्या पैसे चोरी हो गए? ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नियत बदल गई है? अगर पैसे नहीं थे तो मेरे दरवाजे पे शादी के लिए आए क्यों? ऐसी बात नहीं है। सुनो, तुम इस शहर के कमिश्नर हो, अगर तुम्हारे घर में चोरी हो सकती है तो सोचो इस शहर का क्या हाल होगा। धीरे बोलिए, मेरी इज्जत का सवाल है। तुम्हारी इज्जत का मैं क्या करूं? यहाँ मेरे पैसे गए उसका क्या? अबे मैं एक मंत्री हूँ, मंत्री। तुम्हारी बेटी की शादी एक मंत्री के बेटे से हो रही है। अंकल, ये मंत्री हैं तो बदतमीजी करेंगे, दहेज के पैसे चाहिए ना। तो रुको, ये लो। ए, मुझे भिखारी समझा क्या? और क्या समझूं? अंकल इन्हें घर भेजिए, मैं आपकी बेटी से बिना दहेज शादी करूंगा। ध्यान से सुनो, सबकी तलाशी लेना, चाहे मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, तलाशी लिए बिना जाने मत देना। पैसे कैसे नहीं मिलते? सुनो इंस्पेक्टर, सारे दरवाजे बंद कर दो, कमिश्नर की बेटी की शादी में चोरी हुई है, एक एक की तलाशी लो। मैडम, ब्रीफकेस दीजिए, चेक करना है। थैंक यू। ब्रीफ केस किसका है? इसमें तो पत्थर है।
चिंचा। इतना सारा पैसा तो सपने में भी नहीं देखा। बाप रे। चिच्चा चिच्चा हम लोग बैंकॉक जाएंगे ना। काइकू क्या बात करते हो चिच्चा, वहां पर अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकन नरम नरम हाथों से मसाज कर। चुप। नो गंदी बात। सपना देखने से पहले ही सारा मजा किरकिरा कर दिया। सपना टूटने नहीं दूंगा रे। तो फिर हम लोग चलेंगे ना चिच्चा? हम अकेले नहीं जाएंगे। सुन, मैं, तू, चुन्नू, मुन्नू, तेरी भाभी, उसके माँ बाप और चाचा चाची को भी ले जाएंगे। अब सना मान जाएगी? हाँ चिच्चा। कैसा लग रहा हूँ? सुपर चिच्चा। थैंक यू। दोनों भाई साथ में एंट्री मारेंगे। एक मिनट, तू ही जाकर उसे दे दे। अबे साले, इधर ला। आइटम मेरी है, रोज तू देगा? सॉरी चिच्चा, गलती से मिस्टेक हो गई। इधर आ। इस डिक्की से तेरी डिक्की हिलनी नहीं चाहिए, वरना लोना वाला खंडाला की चिक्की याद दिला दूंगा तुझे। डिक्की अच्छी है, पहले कभी ध्यान नहीं दिया। आई लव यू राज, आई लव यू सो मच। अब मुझे जरा भी डर नहीं, तुम, मैं और कोई नहीं। शादी के बाद हम ऐश करेंगे। यू आर ग्रेट इन बेड। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेबी। आउच। हे, जस्ट अ मिनट। हे राजा, तुम जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। पूरे दिन में तुमने एक भी बार कॉल नहीं किया। लगता है तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। राज, कौन है वो? मेरा भाई है, मेरे मामा का लड़का। सच कह रही हूँ, तुम्हारी कसम। भाई है, तुम्हारा भाई है। राज, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पे भरोसा नहीं है? भरोसा ही तो तोड़ दिया साली धोखेबाज। तू मेरी जिंदगी थी। थ्री जी, पैसे मिल गए, अब तुम जैसे दोस्त बहुत मिल जाएंगे। फोन उठा। फोन उठा। फोन उठा। फोन उठा रे।
लगता तू अपने बेटे से 50% ही मोहब्बत करता है। मैंने तेरे से 50 पेटी मांगी और तू एक 25 ही भेजा। इसलिए मैंने 25 पेटी रिकवर करने के लिए उसके गुर्दे बेच डाले। क्या ऊपर आने की जरूरत नहीं, तेरा बेटा नीचे ही पड़ा, ऊपर से फेंका है ना, बिखर गया होगा बेचारा, आके बटोर ले उसको। सुन रहे, तेरी जोरू से मैंने 2 खोखे मांगे, वो लाने को तैयार भी होगी लेकिन अभी फोन नहीं उठा रही है। माजरा क्या है, कहीं अपने पुराने यार के साथ 2 खोखे लेके भाग तो नहीं गई? अब पैसे का क्या होगा? लगता कान में कचरा घुस गया, लग कान ही निकाल दो। पैसे भी चले गए और कल मैं जेल भी चली जाऊंगी। इसकी जान की कीमत सिर्फ 2 खोखे। घबरा मत, मैं तो सिर्फ ये चेक कर रहा था कि मेरे चाकू में धार है कि नहीं, लेकिन मुझे सारा ब्लड निकालने के लिए एक दो जगह से काटना पड़ेगा बस। इसलिए अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं इसको टप्पा डालूंगा। वो लोग आकाश को मार देंगे। धोखेबाज, बेवफा, कहाँ शादी करेंगे, बच्चे होंगे, मेरे सपने चकनाचूर कर दिए। ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें अपनी जान से बढ़कर चाहा, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। साले तक आवाज ची, तू तो मेरा अपना था तेजी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तुम्हें कुछ होने से पहले मुझे मौत आ जाए। कल इसकी रिंगटोन मार्केट में बिकेंगी। तुम जैसे दोस्त बहुत मिल जाएंगे। I love you too, baby. You are great in bed. छलांग क्यों लगाई? मेरे पैसे चले गए, कल मैं जेल भी चली जाऊंगी और वो आकाश को मार देंगे। तो इसका मतलब तुम सुसाइड कर लोगी? तो तुम्हें बताओ मैं क्या करूं, मेरे पास रास्ता ही क्या है? तुम्हारी हालत देखकर मुझे लगता है कि मैं अब तक जिंदा क्यों हूं। तुम्हें क्या हुआ है? मैं अपने फ्लैशबैक में नहीं जाना चाहता। मेरा फ्लैशबैक जानकर तुम्हें लगेगा कि मैं पहले क्यों नहीं मर गया। अगर देखा जाए तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे कोई प्रॉब्लम ना हो। सबको कुछ ना कुछ टेंशन है, लेकिन हर टेंशन का एक इलाज होता है। मेरी टेंशन का इलाज सिर्फ मौत है।
तो जाओ कूद जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुम्हारी मौत के बाद उन लोगों ने आकाश को छोड़ दिया तो तुम टेंशन मत लो, जाओ अपनी जान दे दो। बेचारा आकाश तुम्हारे बगैर जी लेगा। तभी बताओ मैं क्या करूं? हम आकाश को वापस लाएंगे। पर पैसे कहां है मेरे पास? देखो पैसे नहीं है ये बात तुम्हें और मुझे पता है, मगर उन किडनैपर्स को थोड़ी ना पता है। लेकिन इतना क्यों सोच रही हो? बात मानो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा, मेरा यकीन करो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? लेकिन तुम मेरे लिए रिस्क। देखो देखो इसमें कोई रिस्क नहीं है, हर इंसान की जिंदगी में एक मकसद तो होना ही चाहिए। मैं उसी मकसद को ढूंढ रहा हूं। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो शायद मेरे किए हुए सारे पिछले गुनाह ऊपर वाला माफ कर दे। थैंक यू। अरे थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, मेरा प्यार शब्द से भरोसा ही उठ गया था, नफरत सी हो गई थी प्यार से, पर तुम्हें देखकर लगा कि दुनिया में अब भी प्यार जिंदा है। मुझे भी आकाश से मिलकर ही प्यार का एहसास हुआ था। आकाश कितना लकी है कि उसे सच्चा प्यार मिला, शायद मेरे नसीब में सच्चा प्यार नहीं। छोड़ो, चलो आकाश को छुड़ाने के लिए कुछ सोचते हैं। एक मिनट, उनसे कहना जब तक तुम आकाश को देख नहीं लेती पैसा नहीं दोगी। हेलो, कब से फोन क्यों नहीं उठा रही थी, कहाँ थे तो? फोन गाड़ी में था, मैं बाहर थी। हाँ मुझे तो लगा तू आकाश से प्यार ही नहीं करती। टेंशन हो गया मेरे को, मेरा आदमी पंजाबी ढाबे पे खड़ा, उसको पैसा दे देना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ अब ज्यादा फुटेज मत खा, चल जल्दी कर फास्ट। लेकिन मैं पहले आकाश को देखकर पैसे दूंगी। क्या कहा? आकाश को पहले देखेगी फिर पैसे देगी? सौदे में शर्तें, सारे पत्ते तो मेरे हाथ में और शो तू करेगी। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आप पेमेंट कर दीजिए, हम आकाश की होम डिलीवरी करा देंगे। मगर फिर तो मैं जेल में रहूंगी, प्लीज एक बार आकाश को दिखा दो प्लीज, मैं उसके बिना जी नहीं सकती प्लीज। हाय क्या इश्क है भंटाई, अब समझा कि शाहजहां ने इतना खर्चा करके मुमताज के लिए ताजमहल क्यों बनाया? लव हाँ आई लाइक इट। चलो मुद्दे की बात करते हैं, तो पैसे लेके सीधी डोंगरी चलिया, तेरे को वहां के चौराहे पे आना। चल जल्दी जल्दी जल्दी, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। भाग 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 भाग। किसी तरह आकाश को बचा लो प्लीज। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना, एक काम करो मेरी कार में चलो। अरे आओ ना। मेरे नियर आओ जाने मंज। ओह नो ड्रिंक, तंबी इधर आ। एक मिनट सर। इसकी माँ का। जी सर। बिग पीपल की सर्विस कैसे करते हैं पता नहीं खोचू। सॉरी सर। सॉरी बोलता है, चले मसाज का इंतजाम कर। जी सर। और मसाज का खाली पेट करूंगा। ऑर्डर दीजिए। मंचूरियन ट्रिपल राइस, 4 मंचूरियन ब्रेड पकोड़ा, 3 मंचूरियन बिरयानी, तला हुआ बकरा और सर तली हुई मछली, इससे भी मस्त। लेकिन सर वेट या फ्राई? मैं वेट हूँ ना, तो सब कुछ फ्राई करके लाओ। ऊंची लोग ऊंची पसंद, लंबी लड़कियां लाना तभी बचेगा खाना। ओके सर। साले तुझे मैं ऐसा चूरन खिलाऊंगा ना कि तेरा सारा खाना पच जाएगा। 3G को घोटाले की सजा जरूर मिलेगी। क्या करूं टूची, लाइफ में पहली बार बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, कहीं पागल ना हो जाऊं, मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। तुझे क्या पछतावा हो रहा है? मेरी वजह से दो लोगों की जिंदगी खतरे में है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। वो बेचारी पैसे लेकर पति को छुड़ाने जा रही थी, उसे पैसे लौटाकर मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगा, शायद तभी मेरे दिल को सुकून मिले। मगर जब तक सब ठीक नहीं हो जाता उसे सच्चाई मत बताना। 3G किसी भी बिल में छुपा हो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, समझ गया? ठीक है। हाँ।
सॉरी, अर्जेंट कॉल था। कम इन। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माल हाई क्वालिटी है। तू रेट बता रहे हैं? आपसे क्या लेना सर? स्मार्ट बॉय। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। सुपर्ब यार। एंजॉय सर। मिलते रहना। सर, जूस भी कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है ये? शिलाजीत जूस सर। शिलाजीत वाला जूस, मजा आ गया। ये क्या है? एक्स्ट्रा पावर के लिए सर। नॉटी बॉय। चलो जाओ जाओ जाओ। ओके सर। मजा आ गया। गोरियों, किस चक्की का आटा खाती हो? डार्लिंग, तैयार हो जाओ, पैसे मेरे पास आ गए हैं। लंगूर। आकाश को कुछ होगा तो नहीं ना? मैं कुछ होने नहीं दूंगा। ये जोकर कौन है? लगता है सर्कस जाना है पर रास्ता भूल गया है। स्टॉप, स्टॉप। तुम ट्रैफिक हवलदार हो? नहीं, मुझे लिफ्ट चाहिए। पेट्रोल कम है, धक्का लगाने काम आएगा। ठीक है, बैठो। मुझे गाड़ी में चक्कर आते हैं। पांव भारी है? हां, पांव और बॉडी सब भारी है। बैठ जा। थैंक्स अंकल। अंकल? मैं भोला राजा। शक्ल से तो चोर दिखते हो। मैंने तुझे लिफ्ट दिए, इसीलिए तो प्यार से बात कर रहा हूँ। ज्यादा बोलेगा ना तो गाड़ी से फेंक दूंगा। आप मेरी पहुँच नहीं जानते। एक फोन घुमाऊंगा ना तो मेरी मम्मी लाखों खर्च करवा के आपको अंदर करवा देगी। तुम रईस खानदान के चिराग हो? पढ़ लिया तुमने मेरे मुंह का नक्शा? फेस रीडिंग का कोर्स किया है? मुझे भी थोड़ा सिखाइए ना अंकल। अबे अंकल किसे बोला? आपको बोला। मम्मी ने सिखाया है कि बड़े लोगों को अंकल बुलाना चाहिए ताकि वो बेवकूफ बन सके। तेरी एज कितनी है? 22 प्लस। 22 प्लस 20, 30 या 40? 22 साल और 300 महीने बस। लेकिन तुझे देख के लगता है कि तू अंग्रेजों से पहले इंडिया में आया था। फेयरनेस क्रीम का उल्टा रिएक्शन हुआ, इसलिए मेरी उम्र का पता नहीं चलता अंकल। एक बार और अंकल बोला तो दांत तोड़ दूंगा। दिमाग चाट गया दिमाग। इसकी कड़वी बातें सुनने से अच्छा है मैं मीठा चॉकलेट खाऊं। अंकल, आप मेरे यहाँ ड्राइवर की नौकरी करेंगे? अबे साले, तुझे मैं क्या ड्राइवर लगता हूँ? शक्ल से मेरी तरह हीरो तो लगते नहीं हो। लिफ्ट क्यों मांग रहा था? 10 फ्लोर पे रहता हूँ ना। हाँ। लिफ्ट लेना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने खिड़की से घर में आने के लिए मना किया है। तू चोर है क्या? नहीं तो स्टूडेंट हूँ। फेसबुक। पूरा दिन लड़कियाँ मुझसे चैटिंग करती है, मुझे पढ़ने भी नहीं देती। तूने फेसबुक पे असली फोटो डाला ही नहीं होगा। असली है, बचपन का। अभी ड्राइवर के साथ हूँ, बाद में मिलता हूँ। आई लव यू अंकल। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैं शादी करने के लायक भी नहीं हुआ, फिर भी लड़कियाँ मुझ पर इतना क्यों मरती हैं? मेरी समझ में नहीं आता। 40 लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ी हैं, लड़कियों के बीच में बेवफा नाम से मशहूर हूँ। आखिर मैं किस किस के साथ वफा करूँ बताओ? क्यों आंटी? अंकल, आपने मेरी नाक पे मारा क्या? कहीं मुझे दमे की बीमारी ना हो जाए। तुम अकेले रोड पर क्या कर रहे थे? आंटी ने बोला अपना मुंह खोला। आंटी ने बोला अपना मुंह खोला। बोलर की तरह क्यों चिल्ला रहा है? जो पूछा उतना बता। Nothing आंटी, me and my friends were coming from long drive. And the thing is, तेरे पापा भी कभी कॉन्वेंट स्कूल गए थे? हिंदी में बात कर। ओके। आंटी, मैं अपनी फ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गया था। मैं लू ब्रेक के लिए उतरा, मगर वो इतनी भुलक्कड़ है। लू ब्रेक यानी? लू ब्रेक यानी इतना भी नहीं मालूम। ये कर रहे हैं। देख किसका फोन आया उधर। हेलो। हाँ मम्मा, कर लिया। बिना ब्रश में कुछ नहीं खाता, इसलिए एक हफ्ते पहले ही कर लिया। अब मैं बच्चा नहीं रहा मम्मा, अब मैं स्विमिंग पूल में सुसु करता हूँ। ओफो, डायपर पहना है। हाँ मम्मा, पैसे हैं मेरे पास मम्मा, 20,000 रुपए। ओके। ओफो, मेरी मम्मी भी ना। वैसे अंकल, आप क्या करते हैं? तुझ जैसों की किडनी निकाल कर बेचता हूँ। क्या, पहले क्यों नहीं बताया? बापरे, जल्दी भागो। कहाँ जा रहा है तू? सुसु करने। पहले फड़वा ले फिर जा। क्या बिल? अरे भाई साहब,
जरा टैंक फुल कर देना तो। ओके सर। मुझे मेरा टैंक खाली करने दो। थोड़ा कंट्रोल करना। यही छूट जाएगी, मेरे पास एक ही डायपर है और टंकी खाली नहीं हुई तो ओवरफ्लो हो जाएगी। किडनी रहेगी तो ओवरफ्लो होगी ना। सर पैसे? चल पैसे दे। पैसे? मेरे पास 20,000 रुपए नहीं है। किडनी ऑपरेशन प्लेट देना। नहीं नहीं प्लीज। तो जल्दी पैसे दे। देता हूँ। बेचारा भोला, आपको कैसे पता चला मेरे पास पैसे हैं? जब मम्मी से बात कर रहा था तब सुन लिया था। चल पैसे दे। दूसरों की बातें सुनना गलत बात। थैंक यू सर। यू आर बैड अंकल, एक बच्चे से उसका पैसा छीन लिया। हाय भोला। रोली, मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? मैं नहीं, तुम गए थे। मैं तो सुसु करने गया था। हट नॉटी। चल जल्दी उतर। एक सेकंड आंटी, आपका मोबाइल नंबर क्या है? जूते का नंबर चलेगा? नहीं नहीं। किडनी ऑपरेशन ब्लेड देना। भागो। अंकल देख लूंगा आपको, मैं भी एक दिन बड़ा होऊंगा, उस दिन रिवेंज लूंगा। जल्दी निकाल, किडनी ऑपरेशन ब्लेड निकाल। हाँ राजा बोल। 2G 3G मिला क्या? सब जगह ढूंढ लिया मगर अभी तक पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ भाग गया। वो लड़की हमारी वजह से जान देने जा रही थी। तो अब हम क्या करें? किसी भी तरह उन दोनों को मिलवाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। नहीं राजा ऐसा मत बोल। 3G मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। जब भी उसे देखता हूँ मुझे अपने आप से नफरत होती है। राजा बेटा, अभी तक हमने चोरी करके न जाने कितने लोगों को परेशान किया है, मगर अब ऊपर वाले ने हमें अपने गुनाह धोने का एक बम्पर ऑफर दिया है। इसे अपने हाथ से जाने मत दे बेटा। बता तू कहाँ है, मैं तुझसे मिलने आता हूँ। मैं वर्सोवा के मेले में जा रहा हूँ, वहीं पर आकर मिलना मुझसे। अरे बच्चों, खाना क्यों नहीं खा रहे? ये क्या किया, क्या किया तूने? हैं? मुझे माफ कर दो, तुम्हारा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो भाई। चलो जा। गलत टाइम पर गर्म हो गई। चिल्ला, गला फाड़ के चिल्ला, जितना भी खिलाओ पिलाओ कम पड़ता है। तू देखती जा, मुंबई पहुंचते पहला सौदा तेरा करूंगा। अब पानी ढूंढने कहां जाऊं? एमरजेंसी, मेरी गाड़ी बिगड़ गई है, जल्दी से यहां पर हेलीकॉप्टर भेज दो। हेलीकॉप्टर? ये तो हेलीकॉप्टर की बात कर रहा है। हेलीकॉप्टर उसके बाप का माल है क्या? कह रहे तो कुत्ते। ए जबान संभाल के, राजाओं जरा रिस्पेक्ट से बात कर, अपनी भी मार्केट में इज्जत है। चल सॉरी बोल। सॉरी सॉरी भाई। भाई? अच्छा, मेरी दूसरी माँ भी है, मुझे पता भी नहीं। ये क्या बोल रहे हो? अभी तुमने मुझे भाई कहा ना। अरे इस गरीब के ऊपर थोड़ा तो तरस खाओ। तरस भी खाने की चीज है? मैंने अभी पेट भर के खाना खाया। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे जेड तक आता है मुझे भी। ये नर्सरी क्लास बनकर मैटर बोल। भाई शांति से मेरी बात सुनो, मैं 2 लाख देने को तैयार हूँ, मुझे मेरा फोन वापस कर दो। दो? ठीक है 5 लाख ले लो। 5? अरे 10 लाख ले लो भाई। मुझे सुसु आई है, मैं 2 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूँ जनाब। तकरीबन 7,000 के मोबाइल के लिए वो 10 लाख क्यों दे रहा है? कुछ तो कांड है। थोड़ा आराम से मेरे राजा, दर्द हो रहा है। ची। अब आएगा मुर्गा अंडे के नीचे। तो कितना पैसा भेजूं? लावे से भी गरम सीन था। सुपर हिट ब्लॉकबस्टर। तुमने पूरी पिक्चर देख ली क्या? पूरी देखी ना, क्या मस्त बीपी फिल्म बनाई है आपने, कांग्रेस। एक बात सुनो बेटा, मेरा बीपी बढ़ रहा है, थोड़ा तो ख्याल करो। थोड़ा कंसेशन देता हूँ, ऐसा करता हूँ फेसबुक यूट्यूब पे फिल्म डाल देता हूँ, खूब लाइक्स मिलेंगे। हार्ट अटैक आ जाएगा, प्लीज ऐसा मत करना। हार्ट अटैक से बचना है तो बस 2 करोड़ भेज देना ओनली। कितना? 2 करोड़ रुपया? हाँ, ये फिल्म मार्केट में बेचूंगा तो 10 करोड़ मिलेंगे, मंत्रियों के लिए टैक्स फ्री है इसलिए 2 करोड़। देखो भाई मेरे पास सिर्फ 20 लाख रुपया है, कोई बड़ा घोटाला करने दो ना, बाकी के पैसे दे दूंगा। इंस्टॉलमेंट में देगा तो 10 कॉपी बनाता हूँ और न्यूज चैनल को बेचता हूँ, टीआरपी जबरदस्त मिलेगी, प्रॉफिट आधा आधा बांट लेंगे। यार तुम्हें मजाक सूझ रहा है, मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी इज्जत से ज्यादा तेरी इज्जत है मार्केट में, ध्यान से सुन। 2 करोड़
पुट इन सूटकेस सेंड वर्सो अ मार्केट, नहीं तो आपकी फिल्म रिलीज हो जाएगी। हाँ, एक बात बता, मुझे छोटा सा डाउट है, तूने शक्तिवर्धक गोलियां ली थी क्या? मेरा सीक्रेट मत खोल। कट गया मुर्गा। पानी कहाँ से लाऊं? कितना जोर लगा रहा है? अरे अरे रुक रुक रुक, अरे मैंने धोया भी नहीं अभी, अरे मुझे पहनी है ना, पोंछ लेना, पानी दे मेरा। अरे रुक, हो गया। मैडम, मेरे पास एक तोड़ू फोड़ू रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज है। कैसी न्यूज? आकाश को बचाने के लिए 2 करोड़ का इंतजाम हो गया है। कहाँ से? भगवान की स्माइल से, मेरे स्टाइल से और मंत्री के मोबाइल से। मैं समझी नहीं। मैं तुम्हें बाद में SMS कर दूंगा, पहले चलते हैं। हट, मेरी भी मत मारी गई थी। जब हम दोनों उस दिन बिस्तर पर थे तो मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया मोबाइल में। काश उस दिन मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन होती। वीडियो बनाने की तो आपकी पुरानी आदत है। आपको हम दोनों का MMS बनाने की क्या जरूरत थी? 1 MMS का 2 करोड़, उसमें पूरी पिक्चर बन जाती है। अपनी नहीं तो कम से कम इस लैला की इज्जत का तो ख्याल करो। अगर फोन चोरी हो गया है तो वापस ले आओ। अरे उसी के 2 करोड़ मांग रहा है वो। मांग रहा है तो दे दो ना। ए, अगर उसने कल मेरे किसी घोटाले का वीडियो बनाया और 4 करोड़ मांगे तो? भाई कहाँ हो तुम? लगता है मामला सीरियस है। राजा ने मेरा फोन चुराया है, मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर उस मोबाइल में बंद है। हाँ, उसे दुनिया से उठना चाहिए, तुम्हें कीमत मिल जाएगी। काम होने के बाद 1 करोड़ तुम्हारा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ठीक तो? नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। उसे तुम पकड़ के बैठो। मुझे कुछ नहीं सुनना, शांत रहो, उसका आज पैकअप हो जाएगा। झटका लगा? ए, अंधा हो गया क्या? चुप हो जा वरना तेरा भी यही हाल होगा। तू करे वो सही, मैं करूँ वो गलत, चल निकल। ए, बस 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 बस, 1 मिनट, जो हुआ सो हुआ, मुझे लिफ्ट दे दे, आज मेरी लव मैरिज है। अच्छा, तो लड़की कहाँ है? वो रास्ते में खड़ी है, इंतजार कर रही है। मैडम प्लीज प्लीज बोलो ना प्लीज। बेचारे की लव मैरिज है, कितना अच्छा लड़का है, बिठा लो ना इसे। प्लीज बड़े भाई। भाई कहा? भैया। बैठ जा भैया। ओके 1 मिनट। नाम क्या है? सोनू। तेरा नहीं भाई, लड़की का बता। शीला। इसीलिए तू है लाल पीला। कौन से नंबर का प्यार है? पहला और आखिरी। कैसी है वो? उसका कोई जवाब नहीं, कोयल जैसी आवाज, हिरनी जैसी चाल और चालाकी तो लोमड़ी जैसी। जब वो चलती है तो लगता है मोर नाच रहा है। जरूर तू उसके पीछे बैठकर छेड़ता होगा। मैंने उससे आई लव यू तो कहा, लेकिन उसने कंप्लेन कर दी। किससे की? फिजिक्स के सर से। लेकिन मैंने उसे समझाया, फिजिक्स के सर को कंप्लेंट करके क्या फायदा, उनकी खुद की केमिस्ट्री बायोलॉजी में इसके साथ चल रही है। तो फिर फिजिक्स के सर की कंप्लेंट प्रिंसिपल से करता? कैसे करता भाई, प्रिंसिपल का ड्राइविंग टीचर के साथ चक्कर था। धन्य है वो स्कूल जहाँ टीचर एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर तो लव बर्ड्स निकल नहीं थे। यस बॉस, मैं उसका तोता, वो मेरी मैना, कैसे बिछड़ेंगे है ना? अगर उसके घर वालों ने शादी से मना कर दिया तो?
वो क्यों मना करेंगे? जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा सीनियर काजी। मैं उसे खुशियां देने के लिए बिना सोए 24 घंटा काम करता हूँ। सच्चे आशिक हो बॉस, तेरे प्यार के बीच कोई आए तो एक चमाट लगाऊंगा। बॉस बॉस रुको, मेरी दुल्हन यही है। लेता हूँ भाई। एडवांस में शादी मुबारक भाई, हम लोग निकलते हैं। दो मिनट रुको ना, अभी आया बॉस। शीला अंदर रुकी है ना, मैरिज हॉल बस थोड़ी ही दूर है, छोड़ ही रहे तो पूरा छोड़ दो। लाद दो, लदा दो, लादने वाला साथ दो, उंगली दी तो हाथ पकड़ रहा है। लव मैरिज करने जा रहा है बेचारा। पहले मैरिज होने तो दो, आजकल का लव मोबाइल की सिग्नल की तरह आता जाता है, उसकी साइड मत लो। आजकल की लड़कियों का भरोसा नहीं है, शादी के मंडप से भी भाग जाती है, ये भी कहीं ऐसी निकली तो। तुम उसके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? जिसने प्यार में धोखा खाया होगा वो तो ऐसा बोलेगा ही। क्या मतलब? देखो सारी लड़कियां तुम्हारी तरह तो नहीं हो सकती। बड़े भाई शीला, बड़े भाई हीर रांझे की जोड़ी है ना। रांझे को पत्थर खाने पड़े थे याद है? मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, ये बहुत अच्छी है। पुराने जन्म के कर्म होंगे तुम्हारे, जो इतनी खूबसूरत परी जैसी लड़की मिली। इसके दो नैनों के वार ऐसे लग रहे हैं जैसे ये वफादार हैं। देख सच्ची बात है, इसलिए मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। तारीफ के लिए शुक्रिया। जब GPL मिलेगा तब समझ में आएगा। आप है ना बहुत कोऑपरेटिव हो भैया, अगर शीला का सगा भाई होता ना तो वो भी इतना हेल्प नहीं करता। अपने अल्फाज वापस ले। कथा चिल्ला क्यों रहे हो? क्या करूं, प्यार इश्क मोहब्बत इन शब्दों से नफरत हो गई है। लड़के घंटों जिम जाकर आइटम पटाने के लिए सिक्स पैक्स बनाते हैं, पर लड़की सिर्फ आधे सेकंड में उसकी लाइफ खोखली करती है। अच्छा आप इसके भाई बनके विटनेस बनेंगे ना? साले मुझे भाई बोला बंद कर, मुझे अपनी बहन की याद आ जाती है। वो क्या है ना, मेरे अंदर दो दो इंसान है। ओ, डबल रोल हा? राम और श्याम जैसे? राम और श्याम जैसे नहीं, राम और रावण जैसे, जो लंका भी जला दे। भैया अच्छा जोक मार देना। जब तुझे जोकर बनाएगी तब पता चलेगा। तुम इनके साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हो? भैया प्यार में डूबा हुआ है ना इसीलिए। क्यों, तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? जिससे हुआ था वो ऊपर चली गई। ये टॉपिक छोड़कर कोई और टॉपिक पकड़ो ना प्लीज। अरे भैया जरा रेडियो तो चालू करो। क्यों, आइटम को आइटम सॉन्ग पे नचाएगा? रेडियो ऑन कर दो ना, कितनी टेंशन में लग रहे हैं ये दोनों। इतना अच्छा गाना था, चेंज क्यों किया? मुझे रोमांटिक सॉन्ग बिल्कुल पसंद नहीं। क्या हुआ शीला? लगता है तेरी वाली को भी रोमांटिक गाने पसंद नहीं है। चुप रहो ना भैया, क्या हुआ शीला? कुछ नहीं, मेरा भेजा मत खा। झगड़ा? हाँ, सुबह मेरे फ्रेंड के गर्लफ्रेंड ने भी उसे धोखा दे दिया। तो बताओ ना, प्यार में धोखे वाली स्टोरीज मुझे बहुत पसंद है। चुप नहीं बैठ सकते? सॉरी भैया, तुम सुनते तो अलर्ट हो जाते, कितनी मस्त स्टोरी थी। जाने दो भैया, शीला का मूड खराब हो गया। आपने भी प्यार किया? लैला ने खड़े अरमानों पर वार कर दिया। होता है भैया होता है। बेटा तुम मुझे तसल्ली दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्द मुझे तुझे तसल्ली देनी पड़े। मेरा लक उतना खराब नहीं। बम्बई की बरसात, टूटी हुई खाट और लड़की की जात, कभी भरोसा नहीं करते। एक बात बताऊं, मुझे शीला पर बहुत भरोसा है। बेटा प्यार आजकल लॉटरी की तरह है, लग गया तो जैकपॉट, वरना तुझे लेके बैठना पड़ेगा पॉट। कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक है ना? ट्रैफिक नहीं, वर्सोवा का मार्केट लगा हुआ है। भैया कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है? कोई शॉर्टकट नहीं है। हम लोग भी चले क्या? आप लोग बैठो, मैं ट्रैफिक हटा कर आता हूँ। धोखे पास पर इतनी भीड़ क्यों है आज? हटो 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 पार्वती,
नॉन स्टॉप क्यों चल रही है? प्यार के सिग्नल पे रोक, यू टर्न मार, चल फुट बेवड़े। पार्वती मुझे छोड़ के मत जा, तेरे पीछे सब कुछ लुटा दिया, कंगाल हो गया, शराब ही हो गया। माँ ने मना किया था मगर मैंने ही कहा था। माँ तू तो मेरी अपनी है, पर पार्वती को पाने के लिए 25 साल लग गए। मेरे पेट पे लात मार के तुझे अच्छा नहीं किया, धोखेबाज तू मिट्टी में मिलेगी। किसी लड़की ने मेरी तरह तेरा भी दिल तोड़ा गया। पी कर अपने होश खो, प्यार में बेहोश मत हो। सही बोला। अंदर की बात बंद, गली गली घूमती है, अपने दिल में डेरा जमाती है। उनको प्यार नहीं चाहिए, उनको तो चाहिए कैश। चक्का राजा, चिचा, चिचा, मुझे माफ कर दो चिचा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। चिचा सॉरी। अब मुझे छोड़कर जाएगा? नहीं जाऊंगा चिचा, नहीं जाऊंगा। अरे पैसे चाहिए तो मांग लेता। चिचा, वो देखो, वो रहा चोर, इसी ने हमारे पैसे चुराए हैं। पैसे चोरी हो गए थे? हाँ चिचा। कहाँ चोरी हुए थे? मैं बैंकॉक में जिस होटल में गया था ना, यही है वो चोर। हे सोनू, चलो जल्दी करो। क्या हुआ जानू? बैग खो गया। क्या कहा? बैग कहीं खो गया? हाँ, उसका पट्टा टूट गया और कहीं गिर गया। मेरा यकीन करो शीला। ठीक है, तो तुम भी जाओ। ए, शीला, अपने सच्चे प्यार की कसम, मैं सच कह रहा हूँ शीला, मैंने तुम्हारे लिए तो वो बैग चोरी किया था ना। तो पैसा कहाँ है? एक काम करो, बैग की तरह तुम भी गायब हो जाओ। शीला, हमारी शादी का क्या? अगले जन्म में ट्राई करना, बेहतर होगा इस जन्म में बैग ढूंढो। रुक, नीच कहेगी। अच्छा क्या भैया, ये इसने जो किया उसके लिए थप्पड़ काफी नहीं है? तेरे दिल से खेलने से पहले इसने मेरे साथ भी प्यार का नाटक किया था। जितना पैसा दिया उतना प्यार किया। लानत है तुम पर, तुम प्यार करती हो कि व्यापार करती हो? तुझसे अच्छी तो धंधा करने वाली होती है, प्यार तेरे लिए बस खेल है। पहले मेरे साथ, आज इसके साथ, कल न जाने किसके साथ। पैसों की खातिर तो तू अपनी इज्जत भी नीलाम कर चुकी होगी। तो बड़ा अच्छा है तो क्या सबको चुना लगाएगी है? अपने हुस्न के जाल में फंसा कर न जाने कितनों के बेड गर्म किए होंगे। प्यार का नाटक करती है, रंग बदलने में तुमने तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। अरे धोखेबाजी की क्लास खोल ले, अच्छा कमा लेगी। औरतों के नाम पे कलंक है तू। शादी करके नन्ने मुन्ने गुड्डी गुड्डे होंगे और न जाने क्या क्या सब। क्या मुझे नहीं पता कि ये सब तुम किस लिए करते हो? हर लड़का लड़की से सिर्फ हवस के लिए प्यार नहीं करता। जब कोई किसी से सच्चे दिल से प्यार करता है तो वो उसे जिंदगी भर भुला नहीं पाता। जरा उसे देख, आज सुबह तक मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही थी। कोई मर्द रोता है तो लोग उसे कमजोर समझते हैं। क्यों, मर्दों को तकलीफ नहीं होती? उनके पास दिल नहीं होता, उनके पास फीलिंग्स नहीं होती। किसे समझा रहा हूँ? जिसने दिल तोड़ने में PhD की हो, किसी का दर्द क्या समझेगी? बहुत पहुंची हुई हस्ती हो। हे, प्यार क्या होता है ये उससे सीख। वो सिर्फ औरत नहीं, प्यार की देवी है। राक्षस तो मैं बना। अपने पति को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलकर उसने बैंक से 2 करोड़ रुपए चुराए, और तुम्हारे लिए वो 2 करोड़ मैंने चुराए। क्या 2 करोड़ तुम्हें मिल गया? पहले क्यों नहीं बताया? चलो हम शादी करके सेटल हो जाते हैं।
हमारी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, हम बहुत खुश रहेंगे। मेरे पैसे तुमने चुराए थे, वो भी इस लड़की के लिए। सुनो मेरी मेरी बात तो सुनो। अन्नू अन्नू सुनो तो। बड़ी गलती हो गई मुझसे। दोना बंद कर तू। ये किसका बैग? अबे खोल के देख, खोल के देख। देखता हूँ। पैसे पैसे मिल गए। ये ऐसे नहीं उठेगा। पानी मार, पानी मार इसके मुंह पे।
मेरी तरफ। बोल क्या 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 हाँ, हाँ, बोल, फोन फोन का फोन का फोन का देख देख मेरे को देख मेरे को देख अबे फोन के बारे में पूछ रहा हूँ, मंत्री का मोबाइल कहाँ है बोल। एक्सीडेंट में गिर गया। हाँ? क्या हे दाढ़ी मुझे तो कहीं नहीं मिला। हेलो हाँ बॉस क्या हुआ भाई। हाँ राजा हमारे कब्जे में। अरे वो कब्जे में हो या ना हो पहले मेरा फोन अपने कब्जे में ले लो। फोन भी मिल जाएगा टेंशन क्यों ले रहे हो। लाओ मुझे तो। वो सीधे तरीके से नहीं बताएगा कि फोन कहाँ है, उसके साथ एक लड़की भी होगी। तुम उसको मोरा बनाओ और फिर कमाल देखो, मगर हैंडल विद केयर हां, क्योंकि राजा कुछ ज्यादा ही शाना है। वो शाना है तो मैं डेढ़ शाना हूँ। एक तरकीब आ रही है दिमाग में, फोन रखो भूल जाऊंगा। तीन तक गिनूंगा मैं, अगर नहीं बताया तो इसको ठोक डालूंगा। लड़की को छोड़ दो। एक गलती मेरी है, मुझे सजा दो। उसे जाने दो, उसे जाने दो, उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। ए, हीरो रस्सी तोड़ के फाइट करने वाला है, संभाल रहे, मुझे सजा दो। नहीं, 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 नहीं। वाह क्या इमोशन है, लेकिन टाइमिंग गलत हो गया, अभी तक वो जिंदा है। देख देख रहा है अनु, अनु तुम ठीक तो हो ना अनु? अनु आकाश, अनु अनु और इसकी तो अबे ये क्या सीन है, ये इसको कोई रुचि पकड़ रहा है। सर ये मेरी वाइफ है सर। हाँ ये मेरी वाइफ है सर। तेरी वाइफ है? मैं कसम कर रहा हूँ सर ये मेरी वाइफ है। तो वो इसका क्या है? मैं नहीं जानता सर। अगर ये तेरी वाइफ है तो दो खोके इसके पास ही होंगे। नहीं, नहीं, बता जल्दी, ये तो तेरे शक्ल बिगाड़ डालूंगा। माफ कर दीजिए, मैं बता नहीं दीजिए सर, माफ कर, माफ कर। इन्हें पता तेरा पैसे कहाँ है, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। मैंने इसके पैसे चुराए। क्या रे? मैं आपके पैर पड़ता हूँ, इन्हें बता दीजिए ना पैसे कहाँ है। ये क्या ड्रामा है? नहीं तो ये हम दोनों को मार देंगे। अनु 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 तुम इसे पूछो ना पैसे कहाँ है, प्लीज बता दो ना पैसे कहाँ है। तू चल लड़के, देख क्या रहा, देख ऐसे उसके पास पैसे नहीं है, छोड़ दो इसे। छोड़ दीजिए सर, पैसे देकर मेरी वाइफ को बचा लीजिए सर, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्या चल रहा है? अरे अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो कहां के पैसे? छह महीने से मेरे बनाए हुए प्लान को बर्बाद करके रख दिया, छह महीने से। मेरे 2 करोड़ दिन रात एक करके मैंने यह प्लान बनाया, लेकिन इस हरामखोर ने बर्बाद कर दिया। 2 करोड़ आकाश, हाँ सुन रहा हूं, तुम्हारा आकाश मैं ही हूं। साले 2 करोड़ नहीं संभाल सकते, चलिए बैंक के मैनेजर बनने। तुमने अपनी वाइफ के साथ धोखा किया आकाश। ओ, मैं तो भूल ही गया था तू मेरी वाइफ है। ला मंगलसूत्र ला। मिल गई शांति तुझे? आकाश, आकाश ये तुम क्या कह रहे हो? आकाश मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, आकाश ऐसा मत करो, आकाश। आप नीच कर गए। तुम कुत्ते की बात करोगे? मुझे खा ली थी? मत मारो सर। क्यों बे साले? तेरी बहन है जो तुझे इतना दर्द हो रहा है, जब मुझे जरा सा दर्द नहीं हो रहा तो तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? साले तुझसे प्यार करती है वो। प्यार? उस नीच से प्यार कौन करेगा साले?
मैंने प्यार सिर्फ पैसों की वजह से किया था। 2 करोड़ रुपए के लिए नाटक किया था मैंने। अब मेरे लिए वो कोई काम के नहीं है। वो मंत्री फोन के बदले कितना देने बोला था? 1 खोखा। और नहीं बढ़ा सकता? वो एमपी है भाई। तो पूरे 10 मांगना। लेकिन उस मंत्री का फोन कहां से लाएंगे इस कुत्ते ने? एक प्लान है, इसका एमएमएस बनाते हैं, तब पैसे और फोन दोनों मिल जाए। नहीं, आइडिया सॉलिड है भाई। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वो बहुत अच्छी लड़की है। ये पाप है, उसकी पवित्रता से मत खेलो। ब्लू फिल्म बना के तुझे भी दिखाएं। नहीं, नहीं, छोड़ दो। काम पे लगो, काम पे लगो, जाओ बस को, कोई रुपए मत देना। छोड़ दो, छोड़ दे। पहले तो 2 करोड़ उड़ा लिए, उसके बाद सारा प्लान चौपट करके रख दिया। छोड़ उसे, जल्दी जल्दी शुरू कर। ना मर साले। साले को ठोक डालो। Ugh!
महीने बाद आपको पता है ना 2 करोड़ में कितने जीरो होते, पता है ना 2 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? इधर देखिए, ऐसे काम करते हैं, उन्हें आज ही लीगल नोटिस भेजिए, प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। तुम बोलो, वो मेरा लोन तो पास हो जाएगा ना? लोन पास कर दूंगी, लेकिन तुम फेल मत होना। अगर गलती हुई ना तो ये सर पे रुमाल क्यों बांधा है? सर में दर्द रहता है ना, आंखों में बांधूंगा तो दिखेगा नहीं। तो ये फॉर्म फाड़ दूं मैं? फॉर्म फाड़ोगी तो मोबाइल शोरूम कैसे खोलूंगा? आज सपने में आप लक्ष्मी देवी बनकर साक्षात मेरे सामने खड़ी थी, आपने मुझे लोन दिया, मैंने लिया और सपना टूट गया। ज्यादा मक्खनबाजी की तो लोन कैंसिल कर दूंगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप स्लीवलेस ब्लाउज और प्लेन साड़ी में ऐसी लग रही थी जैसे दीपिका पादुकोण, सानिया मिर्जा, करीना खान, चोली के पीछे वाली माधुरी दीक्षित, सेक्सी सनी लियोन। शट अप, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? बताऊंगा तो ही पास होगा। एक्चुअली पहले मेरा नाम चार्जेबल बैटरी था और निकनेम मेमोरी कार्ड था, कई लोग तो मुझे छोटा रिचार्ज बुलाते थे। तंग आकर मैंने अपना नाम लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ राजा रख लिया। वाह क्या नाम है। थैंक्स। और क्या चाहिए राजा? वक्त आने पर मांग लूंगा। ये तो अच्छा हुआ कि पैसे वक्त पर मिल गए, नहीं तो मैं जेल में होती और तुम्हें भी सजा हो जाती। सही कहा। थैंक गॉड जो हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा राजा आगे का क्या प्लान है? दुकान तो खुल गई, अब शादी कब करोगे? क्या शादी? आप जैसी कोई चीज इस नाचीज को मिलेगी तब शादी करूंगा। दूसरी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, एक ही पीस है। प्रपोजल मंजूर है तो बोलो। मंजूर है।